फरीदाबाद से सटे होडल में पानी की पाइपलाइन टूटने के कारण पिछले एक महीने से लोग पीने के पानी की किल्लत झेल रहे हैं और इसी कारण महिलाओं और इलाके के लोगों ने गुस्सा जाहिर करते हुए पार्षद सुषमा के नेतृत्व में इकट्ठा होकर और विभागीय कार्यालय पर पहुंचकर मटके फोड़े, साथ ही अधिकारियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। महिलाओं ने यहां कार्यालय पर मौजूद विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। महिलाओं ने विभागीय अधिकारियों पर शिकायत देने के बावजूद भी उनकी समस्या को दूर न करने के आरोप भी लगाए। और हमारी पाइप पहले डली हुई थी, उसमें थोड़ा बहुत पानी आता था, अब सीवर लाइन डली है, उससे वो पाइप टूट गई है। कितने दिन हो गए सीवर लाइन डले? दो महीने हो गए लगभग। अब हमारी समस्या ये है कि वहाँ कैन के कनेक्शन मेन पानी में से हो रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि गर्मी के कारण उनका पहले से ही बुरा हाल है, ऊपर से पीने के पानी की किल्लत को लेकर वार्ड में हाहाकार मचा हुआ है। महिलाओं का कहना है कि अगर उनकी समस्या को नहीं सुना गया तो उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि विभाग महिलाओं की इस समस्या को सुनता है या नहीं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए होडल से हरिओम भारद्वाज की रिपोर्ट।